From class 8, this is your teacher, Miss Ariba Aleem, and today we will move with lesson 2. Okay, students, last week we have covered a lesson from English language section, right? So for this week we will go with a lesson of English grammar, ताकि आप लोगों की ग्रिप जो है वो दोनों तरफ मेंटेन रहे और किसी भी एक चीज़ से मेरे स्टूडेंट्स इम्पैक्टिस ना हो सकें. ओके, यू नो, अब आप लोग बस एक काम करें, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम गो एंड ब्रिंग योर इंग्लिश ग्रामर बुक्स, ताकि मैं साथ साथ जब आप लोगों को एक्सप्लेन करती रहूँ और आप लोग साथ साथ रीड करें तो आप लोगों को समझ आए. सो यू पीपल वोंट फील एनी डिफ़िकल्टीज व्हाइल डूइंग द एक्सरसाइजेस. नाउ बिकॉज यू आर इन क्लास 7 तो क्लास 8 तो आप लोगों के ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो ग्रामर में बढ़ गई हैं. तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बस अटेंटिव रहना है, मेरे साथ साथ रहना है, अटेंटिव रहना है, ताकि क्या हो, चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आ सकें. ठीक है, ओके, नाउ टेक आउट पेज नंबर, ओके, पेज नंबर 2. ठीक है, अच्छा जी, नाउन्स से हम सब फेमिलियर हैं. व्हाट आर नाउन्स? नाउन्स किसी भी चीज़ का नाम, किसी भी प्लेस का नाम, किसी भी एनिमल का नाम, किसी भी थिंग का जो जो चीज़ होती है, इट इज़ काउंटेड एज नाउन. सही है. अच्छा, अब जो है नाउन की हमारे पास आ जाती हैं कुछ टाइप्स. ऑल्दो आप लोग के टाइप्स क्लास 7 में पढ़कर आए होंगे, और कोई क्लास 7 में नहीं पढ़ा किसी ने तो डेफिनेटली प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है. बट फॉर अ क्विक शॉर्ट रिव्यू लेट मी टेल यू कि होता क्या है. अच्छा, कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन इज अ नाउन दैट रेफर्स टू पीपल और थिंग्स. देखो, कोई भी चीज़ जो स्पेसिफाइड ना हो, किसी कोई भी, जैसे इफ़ इट्स अ गर्ल, इफ़ इट्स अ बर्थडे, तो स्पेसिफाई नहीं है ना. बट इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट शीला, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट आरिफ, तो आरिफ इज़ अ स्पेसिफिक नेम, वी हैव स्पेसिफाइड द नेम. तो आरिफ इज़ अ कॉमन नाउन, जबकि अगर हम प्रॉपर नाउन, जबकि अगर हम सिर्फ गर्ल की बात करें या सिर्फ बॉय की बात करें या सिर्फ किसी सिटी की, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिटी, तो वी आई एम नॉट स्पेसिफाइंग द सिटी आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम ओनली सेइंग कि अ सिटी. तो अ सिटी विल बी कॉमन नाउन. लेकिन अब जब मैं स्पेसिफाई कर दूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लंदन और आई एम टॉकिंग अबाउट कराची, तो इट विल बी काउंटेड एज प्रॉपर नाउन. मतलब किसी नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग को जब हम स्पेसिफाई कर दें तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है, और स्पेसिफाई ना करें तो वो कॉमन नाउन हो जाता है. ठीक है, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन होता है कोई भी ग्रुप, किसी भी, जब हम ग्रुप की बात करते हैं, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल अगेन, या ग्रुप ऑफ एनी थिंग, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. जैसे ऑडियंस, सही है, ऑडियंस ग्रुप ऑफ पीपल सिटिंग एट अ प्लेस एट अ सिंगल टाइम, तो वो क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन. गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इज़ अ यू नो ग्रुप ऑफ पीपल जो कि हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, तो इट इज़ अगेन अ कलेक्टिव नाउन. अच्छा, कंपाउंड रेफर्स टू टू और मोर नाउन्स कम्बाइंड टू फॉर्म अ सिंगल नाउन. अच्छा, जब दो और दो से ज़्यादा नाउन जुड़कर एक वर्ड बनाते हैं, मल्टी वर्ड जो है, जब मल्टी वर्ड्स फॉर्म हो जाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ कंपाउंड नाउन. सिस्टर इन लॉ, सही है, मल्टीपल वर्ड्स है एंड दे आर कंबाइंड टुगेदर, दैट इज़ वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ कंपाउंड नाउन. कॉन्क्रीट, कॉन्क्रीट नाउन इज़ अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल एंड टू थिंग्स दैट एग्जिस्ट फिजिकली एंड कैन बी सीन. अच्छा, कॉन्क्रीट नाउन कौन से होते हैं? वो चीज़ें या वो हम लोग जिनको देख सकें और उसको हम लोग टच कर सकें, सही है, जैसे कि स्मेल कर सकें या सुन सकें, मतलब बेसिकली हम अपने जो सेंसेस हैं ना, जो 5 हमारे सेंसेस हैं, उनसे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकें. जैसे डॉग है, वी कैन सी द डॉग, बिल्डिंग वी कैन सी अ बिल्डिंग, रेन वी कैन फील द रेन, इस तरीके से. एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में जब हम किसी चीज़ की क्वालिटी बताते हैं, सही है, तो हम बात करते हैं या आइडियाज़ बताते हैं या कंडीशंस बताते हैं कि काम कैसे हो रहे हैं, तो दैट इज़ अ एक्स्ट्रा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. जैसे कि ट्रुथ है, सच्चाई, हॉफ, फ्रेंडशिप, टाइम, ह्यूमर, तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नाउ द टू मोस्ट ईजीएस्ट काइंड, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल. काउंटेबल क्या, जो भी चीज़ हमारे काउंट में हो वो काउंटेबल नाउन है, जो काउंट में ना हो वो हमारे पास क्या है, अनकाउंटेबल नाउन. ठीक है, काउंटेबल क्या है भाई, फ्रेंड्स हैं, यू गाइज हैव 4 फ्रेंड्स, 3 फ्रेंड्स, या इफ़ यू पीपल हैव 4 पेंसिल्स इन योर स्टेशनरी बॉक्स, या यू हैव 2 फैंस इन योर बेडरूम, द 1 फैन इन योर बेडरूम, काउंटेबल है. बट यू कैन नॉट काउंट मिल्क, यू कैन नॉट काउंट वाटर इन अ जग, तो ये सब क्या है, अनकाउंटेबल नाउन्स है. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब हमें क्या करना है इस एक्सरसाइज में,
अंडरलाइन द नाउन्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, बस इजीएस्ट एक्सरसाइज है. सिर्फ नाउन आइडेंटिफाई करना, नाउन किया मतलब कोई भी नेम प्लेस एनिमल या थिंग आपको कुछ भी नजर आती है इन सेंटेंसेस में, सो यू हैव टू मार्क इट डाउन. अनीता ड्रू फनी कार्टून्स इन हर पेंटिंग क्लास. अनीता इज अ नेम, कार्टून्स थिंग्स एंड क्लास इज ऑल्सो अ थिंग. बास्केटबॉल एंड क्रिकेट आर रिहान्स फेवरेट गेम्स. बास्केटबॉल क्रिकेट वी आर स्पेसिफाइंग द थिंग्स, थिंग दोनों स्पोर्ट्स हैं, कोई भी चीज़ है हमने स्पेसिफाई भी कर दिया. रिहान नेम हो गया एंड गेम्स इज अगेन अ थिंग. माई फ्रेंड कीप्स हिज टू डॉग्स इन अ केनल. फ्रेंड क्या हो गया, नेम हो गया, डॉग्स एनिमल हो गया एंड केनल प्लेस हो गए. ठीक है. सलमान लिव्स इन ज़ोब विद हिज मदर फादर एंड सिस्टर. सलमान इज अगेन अ नेम और ज़ोब इज अ प्लेस एंड यू नो लाइक दिस फादर मदर एंड सिस्टर. The teacher asked the students to leave their notebooks in a pile on her table. तो टीचर क्या हो गया, नेम हो गया, स्टूडेंट्स. देखो जो मैंने मार्क करें क्या क्या चीज़ें, टीचर, स्टूडेंट्स, नोटबुक्स, टेबल एंड पाइल. अब आप लोग देखें ये सारी चीज़ें नोट करें, नाउन की डेफिनेशन से रिलेट करें, यू विल गेट टू नो वाई आई हैव मार्क दिस. ठीक है. आई हैव अटेम्प्टेड 5 पार्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड द रिमेनिंग पार्ट्स आर टू बी डन बाई यू. ठीक है. 5 मेरे वाले कॉपी करें और 5 जो रिमेनिंग हैं वो खुद आप लोगों को करने हैं. एम आई क्लियर विद द इंस्ट्रक्शंस और नॉट. अच्छा जी, अब आ गया एक्सरसाइज बी में. पिक आउट द नाउन्स एंड सेंटेंसेस बिलो एंड से व्हाट काइंड दे आर. द शिप अलोंग विद इट्स क्रू हैज़ बीन सेव्ड. हमें बताना क्या है, नाउन मार्क करना है और बताना है वो किस किस्म के नाउन है. शिप अलोंग विद इट्स क्रू हैज़ बीन सेव्ड. तो शिप हमारे पास क्या हो जाएगा, नाउन जैसे थिंग है, विद इट्स क्रू, क्रू बहुत सारे लोग, ग्रुप ऑफ पीपल. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कलेक्टिव नाउन. द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट इज 8848 मीटर्स. हाइट वी आर टॉकिंग अबाउट क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ नाउन, राइट. माउंट एवरेस्ट एक प्लेस है, उसकी क्वालिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो यह हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन. द नेशनल म्यूजियम हैज अ गुड कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स. तो नेशनल म्यूजियम इन म्यूजियम इज अ प्लेस और कलेक्शन विल बी काउंटेड एज कलेक्टिव नाउन. Audience received the play with the thunderous applause. Audience क्या हो जाएगा, अगेन कलेक्टिव नाउन है. ओके, नो 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 नो, सॉरी, ऑडियंस कलेक्टिव नाउन हो जाएगा विद अ थंडरस अप्लॉज. तो जो थंडरस अप्लॉज है, वी आर हेयर हम बता रहे हैं कि अप्लॉज कैसा है, बहुत स्टॉर्मी है, बहुत जो है ज़्यादा उसको तालियाँ मिली, उसको अप्रिसिएशन मिली, थंडरस अप्लॉज. तो जो है ये कलेक्टिव नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों इसमें प्रेजेंट है. मॉडर्न बिल्डिंग्स आर मोस्टली मेड अप ऑफ कॉन्क्रीट एंड स्टील. तो कॉन्क्रीट नाउन्स कौन से होते हैं, जिसमें हम लोग जो है बताते हैं कि स्पेसिफाई करते हैं कि किस चीज़ से बना हुआ है, सैंड हो गया, वाटर हो गया, सीमेंट हो गया, एनीथिंग. तो यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ये कॉन्क्रीट और स्टील से बना हुआ है, दैट इज़ वाई दे आर मार्क्ड एज कॉन्क्रीट नाउन्स. 5 पार्ट्स मैंने कर लिए हैं आपके लिए, नाउ द रिमेनिंग 5 पार्ट्स आर टू बी डन बाई यू. ठीक है. Fill in the blanks with the nouns formed from the words given in the bracket. अच्छा, इसमें क्या करना है, ब्रैकेट में हमारे पास एक नाउन, हमारे पास वर्ड्स मौजूद हैं, हमें उनसे नाउन फॉर्म करना है. ठीक है, कैसे. There is a dash for an accountant at this firm. तो vacant, vacant से नाउन क्या बनेगा, vacancy. Only fools are softened by dash, flatter. Flatter क्या होता है, बिला वजह की जो तारीफ करते हैं ना, तो सिर्फ जो बेवकूफ़ होते हैं वही बिला वजह की तारीफ से सॉफ्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. फ्लैटरी. व्हाट डैश डू आई हैव, चूज. तो चूज़ का क्या बनेगा नाउन, चॉइस. ही इग्नोर्ड द डैश दैट आई गेव हिम, एडवाइस. मार्क ए नोट कि ADVISE एडवाइस होता है, ये वर्ब होता है और इसी का नाउन क्या बनेगा, ADVISE. His observation, his dash during the experiment provided valuable insight to the team. Observe. सही है. तो observe का नाम क्या बनेगा, observation. समझ आ गई बात की, हमें क्या करना है यहाँ पे, हमारे पास verbs present है, इन verbs से आप लोगों को noun form करना है. 5 मैंने कर लिए, 5 आप लोगों को खुद करना है. अच्छा, एक और हम देख लेते हैं, 6 part. Dash in temperatures and dash of climate change in the world. इंक्रीज का होता है नाउन जो होता है, इंक्रीज का होता है इंक्रीमेंट. इन टेम्परेचर एंड डैश इंडिकेट, इंडिकेट का हो जाएगा इंडिकेशन. ठीक है, जो पार्ट्स आप लोगों को आ रहे हैं अटेम्प्ट देम, जो नहीं आ रहे यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम गूगल. एंड अगर
समझ नहीं आ रही, सिर्फ नो कॉपी पेस्ट नहीं करना है मेरे पास। आप लोग जब कॉपी चेक करवाने आते हैं, यू कैन कम एट दैट टाइम टू आस्क मी वॉट एवर यू पीपल हैव क्वेरीज रिलेटेड टू, यू कैन कॉल टू स्कूल एंड आस्क एनी थिंग दैट यू वॉन्ट टू, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग साथ बैठ के नहीं पढ़ रहे अभी, तो आई डोंट नो कि किस बच्चे को क्या बात समझ नहीं आ रही, तो सो डोंट फील शाई, डोंट फील शाई, आई बेग यू, आई एम बेगिंग यू अगेन एंड अगेन, जो पूछना है आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। अच्छा, नाउ वी हैव अ नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, नोमिनलाइजेशन। नोमिनलाइजेशन में क्या होता है, हम लोग नाउन्स बनाते हैं दो तरीके से, या तो वर्ब से या एडजेक्टिव से। वर्ब से कैसे बनाते हैं, वर्ब के आगे सफिक्स लगा देते हैं, कोई भी वर्ब है जैसे मेजर, मेजर इज़ अ वर्ब, हमने उसके आगे लगा दिया सफिक्स मेंट, क्या बन जाएगा, मेजर मेंट, ठीक है? और हम लोग क्या करेंगे, मेकिंग नाउन्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या, किसी भी एडजेक्टिव के आगे सफिक्स लगा देंगे तो भी क्या बन जाएगा, वो नाउन बन जाएगा। अब इसकी हम एक्सरसाइज देखते हैं, ऐसे हमारे पास वर्ड है डिफ़िकल्ट, ठीक है, डिफ़िकल्ट इज़ इट सेल्फ एन एडजेक्टिव, तो हम लोग उसको से नाउन कैसे बनाएंगे, डिफ़िकल्टी, समझ आया? अच्छा, रफ़, रफ़ इज़ ऑल्सो एन एडजेक्टिव, कैसे बनाएंगे नाउन हम लोग, रफनेस, रफ था वर्ब, वी एडेड अ सफिक्स टू इट्स एंड एंड मेड इट अ नाउन, ठीक है? सीरियस, सीरियस इज अगैन सीरियस, ओके, सीरियस इज अगैन अ वर्ब, इट्स अ वर्ब, ठीक है? अब इसके आगे हमने क्या लगा दिया, इसके आगे हमने लगा दिया सफिक्स, सीरियसनेस बन गया। एंग्शियस, एंग्शियस इज जो होता है वो हमारे पास होता है वर्ब, और हमने इसके आगे लगा दिया मतलब एटी वाई लगा देंगे तो एंगजाइटी बन जाएगा, परेशान होना बन जाएगा, तो ये क्या बन गया हमारे पास, नाउन्स फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब। अच्छा, रिमेनिंग पार्ट्स हैं इसके, कुछ बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आपको खुद करना है। जैसे मैं बता देती हूँ, परफॉर्मेंस, परफॉर्म है तो इसका बन जाएगा परफॉर्मेंस, मॉडिस्ट है तो बन जाएगा मॉडिस्टी, रिस्पॉन्सिबल है तो बन जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी, रेफरेंस है तो इट विल बिकम रेफरेंस, ठीक है? अच्छा, मूविंग, अच्छा, नाउ वी हैव एन एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 5, टेक आउट पेज नंबर 5 स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप लोगों को बहुत ईजी एक्सरसाइज है, आप लोगों को बुक में करनी है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेज, आइडेंटिफाई वेदर द अंडरलाइन नाउन्स आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। बहुत आसान है, बुक में करना है, करना क्या है कि कुछ वर्ड्स हमारे पास मार्क्ड है, आपको बताना है कि काउंटेबल है अनकाउंटेबल, जो काउंटेबल है उनके आगे सी लिखना है, जो अनकाउंटेबल है यू हैव टू राइट यू सी, सही है? काउंटेबल क्या, जो गिन सके, अनकाउंटेबल जो नहीं गिन सके। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द गार्डन, तो चिल्ड्रन क्या है, काउंटेबल है, जैसे बता मे बी देर वुड बी 4 चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन या 5 चिल्ड्रन या 6, सही है? आई डोंट लाइक मिल्क, मिल्क इज़ अंडरलाइंड, तो वी कैन नॉट काउंट मिल्क, राइट? वी कैन नॉट काउंट हाउ मच मिल्क इज देयर, लीटर्स और जो मिली लीटर्स की बात हो रही है वो हम लोग जिस भी कंटेनर में, और कंटेनर की मेजरमेंट होती है, हम वी कैन नॉट काउंट आवर सेल्फ हाउ मच मिल्क इज प्रेजेंट, ठीक है? आई प्रिफर टी, हाउ मच टी, वी डोंट नो, इट्स एन अनकाउंटेबल नाउन। इस तरीके से 10 है, आप लोग को बहुत आसान है, बस ये मार्क करके लिखने हैं। अच्छा, कमिंग टूवर्ड्स पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स, पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स के होते हैं कि किसी भी चीज़ की पोजेशन, मतलब किसी भी चीज़ की मलकियत जो होती है ना, या उससे रिलेशनशिप जो होता है, या आप कोई चीज़ ओन कर रहे हैं या आप लोगों की कोई चीज़ से कोई जो ताल्लुक है, वो पोजेसिव फॉर्म ऑफ नाउन्स में हमारे पास आ जाता है, ठीक है भाई? अब हमारे पास इसके 3 रूल्स होते हैं। अच्छा, क्या, अगर टू शो पोजेशन ऑफ सिंगुलर नाउन, अगर कोई चीज़ सिंगुलर है तो हम कैसे शो करेंगे, लीव है सिंगुलर चीज़ की बात हो रही, तो वी विल एड एन एस एट द एंड ऑफ द वर्ड, लीव, लीव्स, लीव एक क्या था, नाउन था। पोजेशन बतानी है किसी की, लीव्स की पोजेशन बतानी है कि किस चीज़ का लीव है, तो वी विल एड लीव्स एन एंड एट द एंड एस टू द एंड ऑफ द वर्ड। टू शो पोजेशन ऑफ प्लूरल नाउन्स, तो प्लूरल में भी क्या करेंगे, जो प्लूरल वर्ड है उसके आगे एस लगा देंगे। प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस, अगर प्लूरल नाउन्स है जो एस पर एंड होना, तो क्या करेंगे, वो पूरा वर्ड लिखेंगे, जैसे लीव्स है तो वो पूरा खुद ही से प्लूरल है। अब एस कहाँ लगाए, एस तो लगा हुआ है, तो एस के बाद वी विल पुट अ, पुट एन अपोस्ट्रॉफी, ठीक है भाई? अच्छा, टेक आउट योर बुक्स पेज नंबर 6, यहाँ पे ग्लू कलर का चार्ट बना हुआ है, मैं ज़रा यहाँ से भी समझा दूँ आप लोगों को कि कहाँ कहाँ आप लोगों को यूज़ करना है। अगर हम किसी इंसान का नेम की बात करें, विद अ पर्सनस नेम, तो वी विल पुट एन अपोस्ट्रॉफी एंड देन एन एस, जैसे रिदास पिक्चर, वी आर टॉकिंग, देखो पोजेशन किसकी है, रिदा की, क्या पोजेशन है, पिक्चर, तो पोजेसिव नाउन हो गया। एस एन अपोस्ट्रॉफी कहाँ लगाएंगे, रिदा के बाद अपोस्ट्रॉफी एन एन एस। सिंगुलर नाउन्स एंड प्लूरल नाउन्स नॉट एंडिंग एन एस,
सिंगुलर या प्लूरल नाउन होगा। तो एस पे एंड अ बॉयज हेड, सिंगुलर है बॉयज या सिंगुलर उसकी हेड है तो हमने एस अपोस्ट्रॉफी और एस लगा दिया। प्लूरल नाउन्स एंडिंग इन एस टेक ओनली एन अपोस्ट्रॉफी प्लेस आफ्टर द प्लूरल। अच्छा, जैसे मैंने रूल पढ़ाया था कि अगर पूरा प्लूरल है एस भी एड है तो क्या करेंगे, बस जो भी वर्ड है उसके आगे अपोस्ट्रॉफी लगा देंगे। एनिमल या बर्ड का नेम, कंट्री का नेम, इन सब के साथ भी लगेगा। सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग टाइम या स्पेस, अगर वीक्स लीव, टू डेज न्यूज़पेपर, इसमें भी लगेगा। अब इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, एट एन आर्म्स लेंथ ऐसे विद कंपाउंड नाउन्स द लास्ट वर्ड टेक्स अपोस्ट्रॉफी। अच्छा, जब हम कंपाउंड नाउन्स की बात करें, सिस्टर इन लॉ, वाइस चांसलर्स, डॉटर इन लॉ, पोस्ट मैंस, तो क्या होगा, जो लास्ट वर्ड है ना, मल्टीपल जो वर्ड्स हैं उसके लास्ट वर्ड में अपोस्ट्रॉफी एन एस लगेगा। अच्छा, कम टू द एक्सरसाइज जी, इसमें क्या है, हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है, हमें ठीक जगह अपोस्ट्रॉफी एन एस का यूज़ करना है। द डॉटर ऑफ माई सिस्टर इन लॉ इज़ ग्रेजुएटिंग टूडे, तो क्या करना था, जब मल्टी कंपाउंड वर्ड्स थे तो उसका जो आखिरी वर्ड है उसमें हमें एस लगाना था, तो सिस्टर इन लॉज, ठीक है, लॉ अपोस्ट्रॉफी एस। द न्यू फिल्म ऑफ द एक्टर सैंक विदाउट अ ट्रेस, द न्यू फिल्म्स ऑफ द एक्टर, ठीक है, एक्टर की पोजेशन है न्यू फिल्म, तो न्यू फिल्म पे काम करेंगे और क्या काम करेंगे, फिल्म के बाद लगा देंगे एन अपोस्ट्रॉफी एंड एन एस। व्हाट इज द स्पेशल ऑफर ऑफ दिस मंथ, अच्छा इसमें क्या करना है, देखिए एक ही होता है कि हम अपोस्ट्रॉफी एन एस लगाते हैं, दूसरा ही होता है हम नाउन के साथ ऑफ यूज करते हैं। दिस फोटो वॉज टेकन इन द गार्डन ऑफ माई नेबर्स, पोजेशन किसकी है, नेबर्स की, पोजेशन क्या है, गार्डन, तो काम किस पर करेंगे, जिसकी बात हो रही है, जिसकी पोजेशन है, तो नेबर्स, ठीक है। आई एम लुकिंग एट द प्रोग्राम्स लिस्ट ऑफ द डे, तो प्रोग्राम लिस्ट है तो क्या बन जाएगा, प्रोग्राम्स लिस्ट, पोजेशन जो होती है वो लिस्ट, प्रोग्राम की पोजेशन है, क्या पोजेशन है उसकी, लिस्ट है उसकी, तो हम लोग लगाएंगे एस प्रोग्राम के साथ, ठीक है। फाइव पार्ट्स मैंने बता दिए हैं, रिमेनिंग फाइव पार्ट्स आप लोगों को खुद कर, जो मसला हो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। अच्छा, एच पार्ट में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म्स ऑफ पोजेसिव नाउन्स, हमारे पास ब्रैकेट में पोजेसिव नाउन्स दिए हुए हैं, हमें ठीक तरीके से इस्तेमाल करना है। वी हैव टू रीच द डैश इन 15 मिनट्स, प्रिंसिपल ऑफिस, तो कैसे लिखेंगे, प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्रिंसिपल की पोजेशन उनका ऑफिस है, तो जिसकी पोजेशन होती है ना उस पर काम करा जाता है। द लीव्स ऑफ द ट्रीज टर्न रेड इन ऑटम, तो लीव्स और ट्रीज तो कैसे यूज करेंगे, लीव्स ऑफ ट्रीज। हैव यू सीन द मेस इन चिल्ड्रंस रूम, चिल्ड्रन और रूम, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन की पोजेशन क्या है, रूम, काम किस पे करते हैं, जिसकी पोजेशन होती है, तो क्या होगा, चिल्ड्रंस। द नोट्स और द डैश आर अवेलेबल ऑनलाइन, तो नोट्स और टीचर्स, तो कैसे करेंगे, नोट्स ऑफ टीचर्स। ऑल द माइग्रेटरी फ्लाइट रूट्स ऑफ बर्ड, ओके आई टोल्ड यू द आंसर ऑलरेडी, ऑल द माइग्रेटरी डैश फ्लाइट रूट्स और बर्ड्स आर मैप्ड साइंटिफिकली, आर मैप्ड साइंटिफिकली, तो फ्लाइट रूट्स है, बर्ड्स है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, फ्लाइट रूट्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है। मेरे ख्याल से कि दिस इज़ मच क्लियर, जो चीज़ नहीं समझ आए वो पूछ लें, और जो बाकी के पार्ट्स हैं यू पीपल हैव टू डू इट बाई योर ओन। कोई भी क्वेरी हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू मेक द टाइटल पेज वेन एवर यू आर स्टार्टिंग एनी टॉपिक, एंड मेक श्योर टू डू द होमवर्क दैट आई एम असाइनिंग यू साइड बाई साइड, ठीक है। टिल देन अल्लाह हाफिज़, टेक केयर स्टूडेंट्स।